उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली कंपनीज पर यूपी एसटीएफ एक्शन नजर में आने लगा है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं उसमें अब यूपी एसटीएफ की जांच के दायरे में शामिल हो चुकी हैं वो, और एसटीएफ ने इन 8 कंपनीज के निदेशकों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। एसटीएफ को इस बात के सबूत मिले हैं कि हलाल सर्टिफिकेट देने से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन कंपनीज को भेजा जा रहा था, और साथ ही जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई कि ये सभी संस्थाएं गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट बांट रही थी। यही नहीं, अगर खबरों की माने तो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बांटने की मंजूरी देने वाले अधिकारी भी जांच की जद में हैं और एसटीएफ अब जल्द ही उनको भी तलब कर सकती है। सिर्फ एसटीएफ नहीं बल्कि ईडी भी हलाल सर्टिफिकेट देने वाली इन कंपनीज के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है। दरअसल इस मामले में करोड़ों की रकम हवाला के जरिए बाहर भेजे जाने की कोशिश है, और ऐसे में ईडी भी इस पूरे मामले में हुए गैर कानूनी आर्थिक लेन देन की जांच कर सकती है। ये कार्रवाई इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एजेंसीज को इस रकम से टेरर फंडिंग का भी शक है। आशंका है कि कहीं हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनीज टेरर फंडिंग में शामिल तो नहीं है, और इसीलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी एसटीएफ को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा, जिसके बाद अब एसटीएफ ने इन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए इन्हें नोटिस दे दिया है। इससे पहले आपको याद होगा जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट के चीफ महमूद मदनी ने भी यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में उनसे लंबी पूछताछ की थी, और इस मामले में एसटीएफ हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। यूपी सरकार ने बीते साल 18 नवंबर को अवैध हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया था। तब जांच में यह पता चला था कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों के साथ कॉस्मेटिक और दवाएं भी हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेची जा रही थी, और अब इसमें यूपीएसटीएफ और उसके साथ ईडी के एक्शन की तैयारी भी नजर आने लगी है।